Subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्ला। नवंबर दिसंबर में मोस्टली तौर पर पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जो सब्ज़ी की दुकानें होती हैं या बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पर टमाटर नुमा एक बहुत खुशनुमा नज़र आने वाला फल, जिसको पाकिस्तान के अंदर तो अमूमी तौर पर जापानी फल के नाम से जाना जाता है, उर्दू में इसको हम लोग भी कहते हैं। और ये फल बुनियादी तौर पर चाइना से ताल्लुक़ रखता है, चीन में बहुत ज़्यादा ये काश्त होता है और वहाँ पर ये तकरीबन हज़ारों साल से इसकी काश्त हो रही है। जापानी फल इसको इसलिए कहते हैं कि डायोस्पाइरोस काकी, ये एक इसकी बहुत मशहूर किस्म है इस फल की, जो कि जापान के अंदर काश्त की जाती है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो जापानी फल के तौर पर मशहूर हो गया है। ये फल ना सिर्फ लजीज होता है, मज़ेदार होता है खाने में, इसके अंदर न्यूट्रिशन और गिज़ाइयत, फाइबर्स, प्रोटीन काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं और तकरीबन एक फल के अंदर 118 कैलोरीज, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम चिकनाई, 6 ग्राम फाइबर और 55% इसमें विटामिन ई पाया जाता है, 22% विटामिन सी पाया जाता है, 5% इसमें विटामिन के पाया जाता है, 8% इसमें पोटाशियम पाई जाती है। इसके अलावा कॉपर और मैंगनीज की मकदार जो है वो काफ़ी मकदार में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2 और फोलेट काफ़ी मकदार में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाफर मकदार में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट कुदरती अज्जा, ये सारे जो हैं एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखते हैं, ये कुदरती अज्जा हैं। और इसके अलावा इसमें एक और बीटा कैरोटीन भी काफ़ी अच्छी मकदार में पाया जाता है। तो ये तमाम अज्जा जो हैं ये अमराज़ कल्ब, कैंसर, डायबिटीज़ और अल्जाइमर जैसे मर्ज के इलाज में इंतहाई मुआविन हैं और इन अमराज से बचाव में भी ये बहुत ज़्यादा असर रखते हैं, कुदरती असरात रखते हैं। तो ये फल जो है इस मौसम में खाना इंतहाई मुफीद जाना जाता है और कम से कम जो बड़े अफराद हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए मेल और फीमेल एक फल इस मौसम में रोज़ाना खाना इंतहाई मुफीद और फ़ायदा मंद होता है। और जो लोग इन अमराज के अंदर मुब्तला हैं तो उनके लिए तो ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ डॉक्टर साहब को विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।